रुक करेंगे आप प्रदेश की ओर। हिमाचल के चार जिलों में पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य प्रगति पर चल रहा है। स्वारघाट के समीप बैस कैंप में 24 घंटे वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में भी इस तरह की खोज के लिए अलग अलग कंपनियों की नियुक्तियां की गई हैं। आपको बता दें कि गत माह से बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और ऊना जिला में ONGC के माध्यम से अल्फा GEO इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी द्वारा दिन रात वैज्ञानिक तरीके से प्रारंभिक तौर पर अनुसंधान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य आजकल प्रगति पर चल रहा है। स्वारघाट के बेस कैंप में दिन रात 24 घंटे वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार की खोज के लिए अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। आपको बता दें कि गत माह से बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और ऊना जिलों में ONGC के माध्यम से अल्फा GEO इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी द्वारा दिन रात वैज्ञानिक तरीके प्रारंभिक तौर पर अनुसंधान में किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ONGC के माध्यम से अल्फा GEO इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों द्वारा स्वारघाट के समीप विभिन्न स्थानों पर बोरिंग भी की जा रही है। बेस कैंप में दिन रात बैठकर डिजिटल आंकड़े भी एकत्रित किए जा रहे हैं। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला के उपमंडल स्वारघाट के साथ में सटे जिला सोलन के राम शहर क्षेत्र में 76 किलोमीटर की सीधी लाइन में कार्य दिन प्रतिदिन चल रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त खोज का कार्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर DR कोटियाल ने, जो कि ONGC के सेवानिवृत्त भू वैज्ञानिक भी रहे हैं, प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर कोटियाल ने खास बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि देश हित में ये उक्त कार्य अनुसंधान का जिम्मा उन्हें दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते हालांकि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हिमाचल सरकार व संबंधित जिला के प्रशासन के अधिकारियों व अन्यों का सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्य दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल के इन जिलों के क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है तो भारत सरकार के साथ ही हिमाचल प्रांत को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये कार्य राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ कार्य है। आपको बता दें कि उक्त कार्य में कई स्थानों पर 60 फीट तक गहरी बोरिंग भी की जा रही है। इस खुदाई के भीतर व आसपास के सारे कार्य डिजिटल आंकड़े भू वैज्ञानिकों द्वारा बेस कैंप पर एकत्रित करके पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं। हम लोग कुछ भारत सरकार के निर्देश पर और उसमें ONGC के माध्यम से हम लोग यहाँ पर तेल एवं गैस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यह एक अनुसंधान कार्य है और ये पिछले कई वर्षों से चल भी रहा है, पर इस समय हम लोग बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और सोलन एरिया में हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह कंपनी अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है, उसके माध्यम से काम हो रहा है और हमारी भी ये कोशिश होगी कि और भी प्रसन्नता होगी यदि इस क्षेत्र में कुछ तेल और गैस का कुछ प्राप्त होता है तो संभवतः इस देश को और इस प्रांत को इसका फायदा पहुंचेगा। क्रू में 200 से 250 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा लंबा एरिया होता है जहां पर लोग काम करते हैं और बड़ी विकट परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें हमारे जो स्थानीय प्रशासन है और जिला प्रशासन है, जो भी प्रशासन के मुखिया हैं, उनसे हमें बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। जब हम किसी देहात में या तालुका में या मंडल में जाते हैं तो इस काम को करने के लिए हमें बड़ी सहायता मिल रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।